Assalamualaikum, this is Iman from Sisi Tech. Welcome back with another amazing video. तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए मज़ेदार लैपटॉप एक्सेसरीज लाया हूँ जो कि आई थिंक मुझे लगता है कि हर किसी लैपटॉप यूज़र के पास होनी चाहिए. तो मेरे पास क्या है और आई थिंक ये बहुत बेस्ट एक्सेसरीज है फॉर लैपटॉप. अगर आप डेली यूज़र हैं लैपटॉप के तो ज़रूरी है. अच्छा जी, सबसे पहले चले हम, मेरे पास है ये जी टारगस का बैग. ये मैं इस वजह से रखा हुआ है क्योंकि मुझे ये तकरीबन यूज़ करते हुए साल से ज़्यादा हो चुका है और इसकी बिल्ड क्वालिटी इतनी अच्छी है, इतनी मजबूत है. अभी तक इसका ना तो कोई ज़िप वगैरह ख़राब हुई है ना कोई इसके बैंडेजेस वगैरह ख़राब हुए हैं. तो आई थिंक ये बहुत बेस्ट है. मैं इसमें दिखाता हूँ आप रख के. सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर मेन पॉकेट है. मेन पॉकेट ऊपर जो होती है इसमें आप छोटी मोटी चीज़ें, स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट कार्ड वगैरह सारी चीज़ें आ जाएंगी. उसके बाद चलें, उसके बाद ये दूसरी ज़िप में आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ये कोई जाली वाली पॉकेट देखने को मिलती है. उसके बाद एक और जाली वाली, ये आप, ये भी आईडी कार्ड वगैरह के लिए आप रख सकते हैं. उसके बाद ये दो पॉकेटें आपको और मिल जाती हैं जिसमें आप डिफरेंट चीज़ें रख सकते हो. और उसके बाद चलें हम इसकी थर्ड पॉकेट की तरफ. थर्ड पॉकेट में भी आपको दो, यहाँ पे आप लैपटॉप रख सकते हैं इजीली और यहाँ भी आप कोई बुक्स वगैरह या लैपटॉप में भी आ जाएगा एक और. लाजमी सी बात है यहाँ भी एक और लैपटॉप आ जाएगा. और चलें हम आगे मेन ज़िप की तरफ. तो मेन ज़िप में भी आपको एक ये पॉकेट देखने को मिल जाती है जिसमें बेसिकली ये बनी लैपटॉप के लिए है. इसमें आप लैपटॉप रख सकते हैं. इसमें आपको साथ ही इसमें आप लैपटॉप भी रख सकते हैं, इसमें भी आप लैपटॉप रख सकते हैं, लेकिन परफेक्ट यही. उसके साथ ये दो आपको, एक इधर जाली वाली पॉकेट मिल जाती है और एक इस साइड पर आपको ज़िप के साथ पॉकेट मिल सकती है. इसमें आप अपने पैसे वगैरह, बोतल वगैरह कुछ भी रख सकते हो. ये आई थिंक बेस्ट बैग है, टारगस का बैग है. ये मे भी आपको न्यू ना मिले लेकिन ये मैंने ख़रीदा था 2000 रुपये में. तो आई थिंक बहुत बेस्ट लैपटॉप है. अभी तक एक साल हो चुका है और बहुत अच्छा वाटरप्रूफ भी है. ये ना हो गया आप पानी में डाल दें लेकिन ये वाटरप्रूफ है. तो आई थिंक ये बहुत अच्छा लैपटॉप है के लिए बैग साबित होने वाला है. उसके बाद चलें हम अगली चीज़ की तरफ. अगली चीज़ आती है ये हमारा माउस. माउस मेरे पास है जी HP का. इस ये ब्लूटूथ वाला नहीं माउस है, ये वायरलेस माउस है. वायरलेस माउस में ये होता है कि आपको इसमें माउस के साथ, इसकी अनबॉक्सिंग पहले दिखा लें हम. अनबॉक्सिंग देख लें, आपको ये कोई पेपर वर्क भी मिल जाता है साथ. इसके वारंटी कार्ड तो नहीं है बेशक, लेकिन चाइनीज़ में कुछ लिखा हुआ है. चाइनीज़ में आप पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिएगा, मेरा नहीं ख्याल कोई भी इसे चाइनीज़ में पढ़ ले. और इसके साथ ये कुछ और आपको HP की तरफ से ही कुछ, ये भी चाइनीज़ में है, ये भी कुछ इसका ही निकला हुआ है. अच्छा जी, माउस देख लें. माउस की क्वालिटी आप देख सकते हैं, बहुत ही बेस्ट माउस है HP की तरफ से. बिल्कुल छोटा सा माउस है, आप इजीली इसे यूज़ कर सकते हैं. हैंडी है काफ़ी. और अच्छा, इसकी मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगी है कि जो इसकी डोंगल है उसके लिए भी जगह दी हुई है. ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी बात है क्योंकि अक्सर आपकी ये डोंगल ही गुम होती है. अक्सर ये आपकी डोंगल गुम होती है तो इस वजह से बहुत अच्छी चीज़ है. ये आप देख सकते हैं, इसको इजीली आप रिमूव कर लें ये आपकी डोंगल और ये आपकी लग जाएगी ऐसे ही. ये इसको थोड़ा सा पीछे कर दें हम, आपकी ऐसे ही लग जाएगी ये USB पोर्ट में. और यहाँ पे फिर आप खोल लेंगे, इसके अंदर पहले सेल डलेगा. सेल डालने के बाद आप इसे इजीली यूज़ कर सकते हैं. मैं बंद क्यों नहीं हो रहा, चलें जी. आप ऐसे इजीली जहाँ मर्जी रख के इसके पैड के लिए यूज़ कर सकते हैं. अगली चीज़ की तरफ चलें तो अगली चीज़ काफ़ी मज़ेदार है. मज़ेदार क्यों है, इस वजह से कीबोर्ड तो आपने बहुत से देखे होंगे लेकिन ये मुझे पर्सनली बहुत अच्छा कीबोर्ड लगा है. उसकी वजह ये है कि ये फुल फ्लेक्सिबल है, आप इसे फोल्ड कर सकते हैं और ये वाटरप्रूफ भी है. सबसे अच्छी बात ये है कि ये वाटरप्रूफ है, आप जैसे मर्जी इसको यूज़ कर सकते हैं. अच्छा, इसका काम, इसके साथ आपको ये एक
चार्जिंग केबल मिल जाती है, नॉर्मल ये है चार्जिंग केबल, वो मिल जाएगी। उसके बाद आप यहाँ से इसको टर्न ऑन करें, ये टर्न ऑन होने के बाद इसको ये कनेक्शन के लिए, जब ये लाइट ब्लिंक होना शुरू हो जाए तो आप ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट करके अपने लैपटॉप के साथ तो इजीली से यूज़ कर सकते हैं जैसे मर्जी। काफ़ी हैंडी चीज़ है ये भी, एक ये भी आई थिंक बहुत से लोगों के पास होनी चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि अक्सर आपके कीबोर्ड मसला करता है, तो आप बारी बारी कीबोर्ड उठाने के बजाय, ये मेरे ख्याल में मुझे मिला है 1200 का और माउस मुझे मिला था तकरीबन 550 रुपये का फी सेंटर से, ये दोनों चीज़ें मैंने खरीदी हैं। उसके बाद आगे चले हम इसकी तीसरी चीज़ की तरफ, तो तीसरी चीज़ आती है सेकंड एक्सटर्नल केस। लैपटॉप की अगर आपके पास कोई हार्ड ड्राइव भरी हुई है उसके लिए एक्सटर्नल केस आता है, ये देखें ईजिली खुल भी जाता है। ये आपकी हो लैपटॉप की हार्ड, ये तकरीबन आएगा 400-600 का आएगा, फ्री सेंटर से ये भी मिल जाएगा। इसके साथ आप इजीली इसको ऐसे यूज़ करें, इसको केस के साथ अटैच करके इसको एक्सटर्नल केस में लगा दें और यहाँ पे एक और दो पेज लगेंगे तो आपकी एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव बन जाएगी। आपको बाहर से लेने की कोई ज़रूरत नहीं इस लैपटॉप की हार्ड ड्राइव, मतलब कि कोई भी एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव लेनी हो तो आपको लगे कि मेरे पास कोई पहले से लैपटॉप की हार्ड ड्राइव मौजूद है, तो उसके लिए आप सिर्फ केस लें, 600 का केस आएगा, आपकी एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव बन जाएगी। उसके साथ आगे चलें, काफ़ी उसके साथ एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव की बात करें तो मेरे पास काफ़ी एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव मौजूद है। ये आप देख सकते हैं तोशिबा की हार्ड ड्राइव मौजूद है, ये ट्रांसेरेंट की, ये सबसे बेस्ट मुझे लगी अभी तक की एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव। उसकी वजह ये है कि काफ़ी मज़बूत हार्ड ड्राइव है, एक दो बार गिरने से भी इसको कुछ नहीं होगा। ये तोशिबा की, ये मुझे बस नॉर्मली लगी है। उसके साथ अगर हम बात करें तो ये एक चीज़ है एक्सटर्नल केस, ये अगर आपको लगता है कि आपकी हार्ड ड्राइव नहीं गिरेगी तो इसके साथ भी आप अपनी हार्ड ड्राइव अटैच कर सकते हो। ये देखिए जी, ये आप इसके साथ भी अपनी हार्ड ड्राइव अटैच कर सकते हो, लेकिन इसमें ये होता है कि अगर आपकी हार्ड ड्राइव गिरे, एक मरतबा गिरेगी तो वो ख़राब हो जाएगी, इसलिए आपको एक्सटर्नल केस लेना चाहिए ये वाला, उसकी बजाय आपको ये वाला लेना चाहिए। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, वो मेरे पास मौजूद नहीं है, कूलिंग पैड, कूलिंग फ़ैन इस वजह से ज़रूरी है। कूलिंग टेबल होता है, उसके नीचे फ़ैन लगा होता है जो कि आपके लैपटॉप की हीट को बाहर फेंकता है, ज़्यादा लैपटॉप को हीट नहीं होने देता। वो गर्मियों में बहुत अच्छी है, अगर आपके पास AMD में लैपटॉप है तो वो लाजमी यूज़ करें, वरना AMD लैपटॉप अगर गर्मियों में यूज़ करते हैं तो वो काफ़ी हीट होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वो बंद भी हो जाता है। अक्सर ऐसा होता है पाकिस्तान में या इंडिया में, इंडिया में भी अच्छी खासी गर्मी होती है, तो इस वजह से काफ़ी मसला होता है ये कूलिंग, अगर AMD मदरबोर्ड हो तो इसके लिए आपको कूलिंग पैड, ये जो आपको तस्वीर में दिखाया जा रहे हैं, ये तकरीबन आपको मिल जाएगा 2000-2200 के दरमियान, ये कूलिंग पैड आपको मिल जाता है। उसके बाद एक और चीज़, अगर आप लैपटॉप यूज़र हैं तो लैपटॉप यूज़र के लिए अगर आपके पास हार्ड ड्राइव की स्टोरेज कम हो गई है, SSD लगी हुई है, तो उसमें CD ROM की स्पेस बाकी है अभी, तो ये एक चीज़ आती है एक्सटर्नल हार्ड के लिए, हार्ड एक और हार्ड ड्राइव ऐड करने के लिए ये चीज़ आती है, इसका नाम है सेकंड हार्ड कैडी। ये बहुत सिंपल होती है जी, मैं आपको दिखा दूँ, ये आप नॉर्मली, ये भी आपको फी सेंटर से तकरीबन 500 या 600 की मिल जाएगी। अच्छा जी, इसका काम क्या होता है, ये देखें, ये आपका हार्ड ड्राइव की कैडी है, इसमें आप सिंपल क्या कर सकते हैं, इसमें आप ये आपने लगाई अपनी हार्ड ड्राइव, ये हार्ड ड्राइव लगाने के बाद यहाँ पे आपको लगाने पड़ेंगे 1, 2 और 3-4 पेज जो के उन्होंने साथ ही दिए होते हैं, और साथ में छोटा सा ये पेचकस भी दिया हुआ है, जो आप इसको लगा के टाइट कर लें। और ये चीज़ आप, ये जो पोर्ट ये बनी हुई है, ये आप इसके जहाँ CD-ROM लगा होता है वो उतार लें, उसकी जगह ये लगा दें, तो आपके लिए स्टोरेज की भी काफ़ी
जगह बन जाएगी, और आई थिंक ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर SSD लगी होती है, 128 GB SSD रहने दें और उसकी जगह 500 GB नॉर्मल हार्ड ड्राइव हो, क्योंकि हार्ड ड्राइव का काम जस्ट आई थिंक मेरे ख्याल में स्टोरेज के लिए होना चाहिए, इससे बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी रहेगी आपके लैपटॉप के लिए, अगर आपके लैपटॉप में CD-ROM की स्लॉट है। आजकल जो लेटेस्ट लैपटॉप आ रहे हैं उसमें तो पहले से ही एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव के लिए भी पोर्ट है, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव के लिए भी आपको जगह दी होती है, और M2 SSD NVMe के लिए भी जगह दी होती है। जैसे कि आप ये देख लें, ये स्लिम सा लैपटॉप है, इसमें M2 के लिए भी स्पेस दी होगी और नॉर्मल हार्ड ड्राइव भी लगा सकते हैं, CD-ROM के लिए कोई जगह नहीं होती इस लैपटॉप में। तो आई थिंक ये बहुत बेस्ट है, और अगर आप डेली लैपटॉप यूज़ करते हैं तो उसके लिए आपको एक और चीज़ लेनी चाहिए, वो है क्लीनर। क्लीनर में दो चीज़ें आ जाती हैं, एक लिक्विड मिल जाएगा उसमें ही आपको एक छोटा सा ब्रश मिल जाएगा और छोटा सा रुमाल मिल जाएगा लैपटॉप साफ करने के लिए। वो आपके पास होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप डेली लैपटॉप यूज़ करते हैं तो आई थिंक वो काफ़ी गंदा होता होगा, तो आप उसकी केयर किया करें लैपटॉप की, ताकि लिक्विड और ये जो चीज़ें हैं उस पर लगा के साफ़ कर लिए। दिन में एक मरतबा करने से कुछ नहीं होता। आई थिंक ये चीज़ें आपके पास मस्ट होनी चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों की वजह से आपकी डेली लाइफ लैपटॉप यूजिंग की लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। आपको ज़्यादा चिक चिक नहीं करनी पड़ेगी, और ज़्यादा माउस पे, अगर आप एक्सटर्नल माउस नहीं यूज़ करते तो आपको जस्ट यही यूज़ करना पड़ेगा सरफेस पर, और अक्सर इसके क्लिक में थोड़ा सा मसला आता है। अगर आप एडिटिंग करते हैं तो आप तो बहुत ही परेशान होते होंगे इनके वजह से, तो इस वजह से आई थिंक एक्सटर्नल माउस ज़रूरी है। और अगर आपका लैपटॉप की कोई की नहीं चल रही तो आई थिंक ये कीबोर्ड बहुत ही बेस्ट है आपके लिए। तो ये थी मेरी तरफ से वीडियो, ताकि मैं आपको आगाह कर सकूं कि कौन सी चीज़ें आई थिंक लैपटॉप यूजर के लिए अच्छी होंगी, और मैं इनमें से काफ़ी हद तक बहुत सी चीज़ें पर्सनली यूज़ करता हूँ, और मेरी लाइफ आई थिंक मैं डेली लैपटॉप यूज़र हूँ। मैं डेली रूटीन में 3-4 मरतबा लैपटॉप लाजमी यूज़ करता हूँ। अगर तो आप फाइबर पे काम करते तो ये तो होगा। तो ये थी मेरी तरफ से वीडियो, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिए।